सुनियता दिया है। 5 तारीख को रिपोर्ट कार्ड वो जारी करने वाले डेढ़ साल का कार्यकाल का, इसको आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों का समीक्षा करके रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी जी निकालेंगे। 5 जून का उनका, 5 जून पूरा नीतीश कुमार जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका ऑडिट वही कर रहे थे तेजस्वी यादव जी। अच्छी बात है, ऑडिट कार्ड निकाल दें, जनता के सामने ठीक कर दें। ऐसा थोड़े है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे गठबंधन का सरकार कोई फाकीबाजी कर रही है। इतना सारा जो पूरे पटना का जो पूरे फ्लाईओवर और सारे रोड को कालीकरण में और पक्की रोड और पीसीसी रोड, इतने सारे म्यूजियम, इतने सारे पब्लिक से रिलेटेड कई सारे चीज, गांव-गांव तक बिजली, आपको मालूम है कि स्मार्ट मीटर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप का ही ये देन है कि हर घर घर में स्मार्ट मीटर भी अब काम करने लगा। और स्मार्ट मीटर से लोगों को इतना फायदा हो रहा है कि जिस तरह से मोबाइल का सिम कार्ड का बैलेंस खत्म होता है, उसी तरह से स्मार्ट मीटर का भी खत्म हो जाता है। और लोग समझ जाते हैं कि मेरा पैसा बैलेंस खत्म हो गया, और बिजली चोरी होना जो है समझिए कि ना के बराबर हो गया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी काम किए हैं, वो कार्ड में जितने सब जितना कार्ड जो बना रहे हैं, इन सब कार्यों का समीक्षा करके जारी अगर करना चाहते हैं तो सब बात बता दें, लिख दें, अच्छी बात ना है। विरोधी दल के नेता हैं, अगर वो मान लिया इस तरह से बोल रहे हैं, सब चीज ले लें और निकाल दें उसको। सभी पार्टियों को न्योता भी दी है वो आसास माने के लिए, कांग्रेस है, वीआईपी है, चिराग पासवान जी हैं, उन लोगों को बोले हैं कि इस तरह का मामला में आए जनता का आवाज उठाने के लिए, तेजस्वी यादव बुलाए। अब इस तरह के मामला में वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका इंटरनल मामला है, हम ज़्यादा उस पर टिप्पणी करना क्यों ऐसी करेंगे भाई। चिराग जी को बुला रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट के सामने ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मुद्दा नहीं है। सत्ता के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं सभी लोगों को, ये तो बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा कैसे आप बताएं? सत्ता के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं सभी लोग, नीतीश कुमार के खिलाफ सारी पार्टियों को, कांग्रेस है, वीआईपी है, चिराग पासवान है, कांग्रेस का कोई जमीन है? पहला जवाब दीजिए। मुकेश सहनी का क्या है यहाँ पर? जवाब दीजिए। उनका खुद का पार्टी भाग गया बीजेपी में, क्या बात कर रहे हैं आप? मुकेश सहनी का नाम ले रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे एमएलसी बने हैं, ये सब छिपा हुआ है किसी से? बोलिए चिराग पासवान जी। अच्छा आ रहा है।